लेकर राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जहां एक तरफ अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं, वहीं दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती हैं। आपको बता दें, स्मृति ईरानी जो काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही है, अपने पति जुबिन ईरानी और अपने तीनों ही बच्चों के साथ। जानकारी के लिए आपको बता दें, स्मृति ईरानी और जुबिन ईरानी शादी के बंधन में साल 2001 में बंधे थे। स्मृति ईरानी ने स्वागत किया था अपने पहले बच्चे का साल 2001 में। जी हां, स्मृति ईरानी और जुबिन ईरानी के बेटे हैं जौहर और बेटी हैं, जिनका जन्म हुआ साल 2003 में। स्मृति ईरानी और जुबिन ईरानी काफी खुशहाल और बेहतरीन जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिता रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्मृति आए दिन बच्चों के साथ खुशनुमा पलों को शेयर करती हुई देखी जाती हैं। वहीं हाल ही में स्मृति ईरानी ने बात की है अपने बेटे जौहर, अपनी बेटी शनेल और अपनी छोटी बेटी जॉयश के बारे में। सभी बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने प्यारी सी पोस्ट लिखी है, कुछ तस्वीरों को शेयर किया है और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया है कि कैसे वह अपने बेबीज को खुद से दूर नहीं होते हुए देखना पसंद नहीं करती हैं, छोड़ने के लिए उन्हें बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जी हां, स्मृति ने इन तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में वह अपने बच्चों के साथ मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। वहीं इन तस्वीरों को शेयर करते हुए वह लिखती हैं, बहुत लोगों को कई बार कहते सुना है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, वहीं लोग आपको ये कहकर भी बहलाते हैं कि एक दिन तो उन्हें घर छोड़कर जाना ही है, कोई भी सलाह दी जाए मैं कुछ नहीं सुनने वाली, ये मेरे बेबी हैं और हमेशा मुझसे और मेरे अपनों से बंधे रहेंगे, नहीं अभी मेरा घोंसला खाली नहीं हुआ है। छोटे बच्चों ने जल्द घर वापस लौटने के लिए उड़ान भरी है, मेरी जिंदगी मेरा प्यार, और इस तरीके से यहाँ पर अपने बच्चों से दूर ना होने को लेकर उन्होंने बात कही है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर हो। स्मृति ईरानी के इस पोस्ट को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कई सेलिब्रिटीज इस पोस्ट पर अपने अपने रिएक्शन भी दे चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।